बेहद शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। अलामा इकबाल की शख्सियत पूरी दुनिया मुअत्तरिफ है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके अल्फाज में अलामा इकबाल की शख्सियत को जान सकें तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए कोई नहीं होगी। बस अलामा इकबाल की एक ख्वाहिश थी कि जो भी कोई मुसलमान काम करे उसमें पूरी अपनी लगन और मेहनत से करे। तो एक दफा यहाँ उनके गिर बैठे हुए थे, उनके जो थे मजा, तो किसी ने पूछा कि अलामा आपने शेर लिखा है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो ये इश्क की इंतहा क्या होती है? तो आपने आगे से फरमाया, आपने दूसरा मिसरा नहीं पढ़ के देखते, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, इश्क की तो इंतहा होती ही कोई नहीं, और जो भी आपने काम करना है अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने लिए, तो आप ये यकीन रखें कि पूरी लगन से करें और पूरी मेहनत से करें। और यही पैगाम जो था वो तमाम मुसलमान जो थे आलम के, उनके लिए ये पैगाम दिया। लेकिन आप देखिए कि जैसे आपने अभी शेर को पढ़ रखा कि मुनफरद एक ही है सबकी और कौम भी एक, क्या अजब था कि होते मुसलमान भी एक, हम में यकजाहियत है ही नहीं। और हम आजकल देखिए हमारी कौम की क्या हालात है, कोई हाल ही नहीं है, हर एक बंदा जो है वो दूसरे के दस्तों गरिमा हो रहा है और फिरका बंदी है कहीं और कहीं बातें हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो बस मैं समझती हूँ कि आज अगर अलामा होते तो यही हमें पैगाम दोहराते कि यकजाहियत चाहिए, यकसानियत चाहिए, एक मिल्लत बन के हम रहे तो हम सारी दुनिया के ऊपर हावी हो सकते, तरक्की आपका अकवाम के या मिल्लत के तौर पर, लेकिन हमारे में यकजाहियत है ही नहीं। और मैम बड़ा ज़रूरी है मौजूदा वक्त में एक होना, यूनिटी दिखाना। हमारी दुआ यही है कि अलामा इकबाल की जो मेहनत जो काविश है हम उसको समझें, और समझना हमारी आने वाली नस्लों के लिए। बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया।